नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। प्रोग्राम के एक सेगमेंट के साथ आपके साथ मैं हूं वृंदा प्रधान अजमेरा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम होता है, तो इस प्रोग्राम की खासियत यही है कि इस प्रोग्राम में आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको डायल करना होगा फोन नंबर। तो आइए सबसे पहले नोट डाउन करवा देते हैं हम हमारे टेलीफोन नंबर्स। स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे नंबर, नोट डाउन कर लें, 07552660049। इसके साथ ही एक और टोल फ्री नंबर जिसे भी आप डायल करके हमसे हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, 1800-233-0040। उम्मीद है इन दोनों नंबर्स को आपने नोट डाउन कर लिया होगा और निश्चित ही हमारे प्रोग्राम में हमसे जुड़ेंगे और हमारे प्रोग्राम में आज हमारा साथ देंगे। तो बने रहे हमारे साथ, 12 बजे से 1 बजे तक इस प्रोग्राम का सजीव प्रसारण किया जाता है और आप जानते हैं कि सोमवार से शनिवार तक हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए प्रसारित किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको बताते हैं तिथि। तो नजर डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079, फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है, 27 फरवरी 2023 सोमवार का दिन। और जैसे कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जब वीकेंड के बाद में सप्ताह की शुरुआत होती है सोमवार से, तो निश्चित ही सोमवार को बड़ा एनर्जेटिक महसूस करते हैं हम सभी, क्योंकि दो दिन या एक दिन पूर्णतः थकान भी हम उतार चुके होते हैं अपनी और फैमिली के साथ। जो प्रेशियस टाइम हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है उस टाइम का, तो निश्चित ही वो तरोताज़ा हमें महसूस करा ही देता है। आइए नज़र डालते हैं आज के सुविचार पर। जल्दी से देख लेते हैं आज का विचार क्या कहता है। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊँची हों, रास्ता आपके कदमों से तय हो सकता है। मंजिल कुछ कठिन हो सकती है, राह कुछ रपटीली हो सकती है, रास्ते कुछ कठिन हो सकते हैं, पर असंभव कुछ भी नहीं। मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे ही सही, पर राह पर यदि हम चलते रहेंगे ना, तो निश्चित ही मंजिल हमें जरूर मिलेगी। तो उम्मीद है इस विचार को आप ध्यान में रखेंगे और दिन भर आप तरोताजा महसूस करेंगे यदि इस विचार के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे, आज चूंकि विश्व एनजीओ डे भी है, तो विश्व एनजीओ डे पर आज हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही पत्रकारिता के बारे में आज हम बात करेंगे। पत्रकारिता का विद्यार्थियों के जीवन में क्या महत्व है, किस तरीके से वो विद्यार्थी या और भी लोग युवा इस क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम बातचीत आपसे करेंगे। उसके पहले हम आपसे यही कहेंगे, आओ फिर से दीप जलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं, भरी दुपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाली कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बड़ी खूबसूरत सी थी ना ये पंक्तियां। इन पंक्तियों की रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो अटल बिहारी जी का जो योगदान है उसे हम सभी भुला नहीं सकते। उनका जो चिंतन है, उनके जो विचार है, वो निश्चित ही हम सभी के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये पंक्तियाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही लिखी थी। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र जी हैं, आप प्रभारी हैं पत्रकारिता और जनसंपर्क विभाग और जनसंपर्क अधिकारी भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज विश्व एनजीओ दिवस भी है, तो हमारे साथ हमारे एक और बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। आइए उनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका जैन। नमस्कार मोनिका जी, के बारे में हम आपको बता दें कि आप चेयरपर्सन हैं सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी। ये एक बहुत
बढ़िया एनजीओ है, सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी जो है, मोनिका जो उसकी चेयरमैन है, और बढ़ चढ़ के काम कर रही है ये संस्था युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, असहायों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। और हाँ, ये संस्था विज्ञान के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका भी निभा रही है। तो सर मैडम, क्यों ना चर्चा के दौर को शुरू किया जाए। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से हम जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम नमस्कार एमपी में चलिए सबसे पहले भूपेन जी आपसे हम जान लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ही क्यों रखा गया? जी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि अटल जी के जो जीवन चरित्र रहा है, उनका जन्म तो आगरा के बंकटेश्वर स्थान पर हुआ था, लेकिन उनकी जो शिक्षा हुई वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई, और ग्वालियर के कारण उनके जो हृदय में जो काम करने की इच्छा थी वो हिंदी भाषा के लिए मर्मज्ञ थे वो, और कवि भी थे, और ऐसे वो नेता थे सदन में कि जो विपक्ष भी अपना समय उनको देता था, बिल्कुल, और वो सर्वमान्य नेता थे। बहुमत के नेता तो नहीं थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सर्वमान्य नेता थे। उन जब वो बोलते थे तो उनको बोलने के लिए लोग ठहरते थे, अपना समय दे देते थे जब पार्टी का कोई वजूद नहीं था, और उनको जीतने के लिए उस समय की इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को चुनते थे, ऐसी लोकसभा को जिससे वो चुन के आ सके, और ऐसे ये आप लोकसभा की कार्रवाइयों में देखें, उस समय की राजनीति के देखें, तो बलरामपुर से जब वो जीते पहली बार, फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया, फिर उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति की जो भावना थी, और वो जब वो अपने विवेकानंद जी को आदर्श मानते थे और संघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे और संघ के विचारक भी थे, और पूरे जीवन वो भारत माता को अपना आराध्य मानते हुए उन्होंने विवाह भी नहीं किया और राष्ट्र के लिए समर्पित रहे और देश के प्रधानमंत्री। तो जब एक बार लोकसभा का एक चित्रण है, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो नेहरू जी ने कहा कि व्यक्ति सही है लेकिन पार्टी का चयन गलत है। तो वो व्यक्ति, तो उन्होंने कहा मुझे कैसा सही होना चाहिए, किसके अनुरूप होना चाहिए, उनकी जो हाजिर जवाबी थी और जो उनका तत्कालिक था, तो वो क्या है, विदिशा से यहाँ से जीते और लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो हिंदी बेल्ट के कारण उनका क्षेत्र जो जन्म का क्षेत्र ग्वालियर रहा, मधुरा सिंधिया परिवार से उनके बड़े सनिध्य रहा, तो इसके कारण यहाँ के राजनीति पार्टियों ने इस तरह से सोचा कि हिंदी के उज्ज्वलता के लिए, जो पाठ के मातृभूमि में के मातृभाषा के लिए स्थापित किया जाए, तो इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को चुना और उनके नाम पर अटल बिहारी, क्योंकि वो हिंदी के लिए समर्पित पूरा उनका जीवन था, और पहली बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था, ये एक मिसाल। और ये देखिए आप, राष्ट्रीय जब देश के जो एक बार तो उनको उस डेलीगेशन में विदेश में भेजा गया था जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और वो नेता प्रतिपक्ष थे जी, तो ये राष्ट्र की विदेश नीतियों में किसी भी चीज़ की सत्ता पार्टी रही हो, लेकिन जो योगदान रहा वो सत्ता को कभी नकारा नहीं गया, विपक्ष को सत्ता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मुझे लगता है डॉक्टर भूपेंद्र, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब सत्ता में रहते हुए विपक्ष के लोग भी हमें स्वीकार कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी हमारी बात को एक ठहराव के साथ सुनते हैं, तो निश्चित ही हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही बात थी अटल बिहारी वाजपेयी जी में कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने अपने आप को समर्पित रखा, देश के लिए भी उन्होंने अपने आप को समर्पित रखा। सर, चर्चा के दौर को आगे भी जारी रखेंगे, डॉक्टर मोनिका की ओर हम चलेंगे, उसके पहले हम बता दें कि हमारे साथ में हमारे एक बैंक अधिकारी जुड़े हुए हैं टेलीफोन लाइन के माध्यम से, श्री संजय किरार, वरिष्ठ प्रबंधक हैं यूको बैंक में, आज हमारे साथ में टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं, फसल बीमा योजना से संबंधित बात आज हम उनके साथ में करेंगे। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हम आपको बता दें कि आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि फसल बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी उसका क्या उद्देश्य है और बैंकों की क्या भूमिका है इस योजना में? दरअसल मैडम, ये जो फसल बीमा का उद्देश्य था कि कीट लगने के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल प्राय खराब हो जाया करती थी, और पहले की जो योजना थी उनमें प्रीमियम भी ज्यादा था, तो प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी 2016 का इसका उद्घाटन किया, तब इसमें कम दरें रखी गई हैं ताकि वो लोग प्रीमियम को इसको पे कर सकें और सस्ती दरों पर अपनी फसलों का बीमा करवा सकें, ताकि
ताकि उनकी फसलें खराब होने पर उनको मुआवजा मिल सके एक प्रकार से जी, ये मुख्यतः इसका उद्देश्य था। संजय जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि सारी फसलों का बीमा क्यों नहीं कराया जाता, केवल नोटिफाइड जो फसल है उनका ही बीमा कराया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे सरकार की मंशा रहती है, ये भी सरकार के टारगेट रहते हैं अपने बजट को लेकर कि कहां पर किसका किस फसल का कितना उत्पादन किया जाए, और मुख्यतः ये स्पेसिफाई रहते हैं एरिया, जैसे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसी राजस्थान में, यहाँ पर धान की फसल और गेहूँ की फसल होती है, तो सरकार का उद्देश्य भी है कि इन फसलों को प्रमोट किया जाए, इसलिए पर्टिकुलर एरिया में केवल पर्टिकुलर फसल का ही बीमा कराया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। जी जी। और संजय जी, बैंक किस तरह से किसानों की मदद करता है फसल बीमा योजना के लिए, क्या भूमिका रहती है बैंकों की? देखिए, इसमें बैंक काफी बड़ी भूमिका निभाता है, जो लोग हमसे जुड़े रहते हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में लाभ ले रहे होते हैं, बैंक का बीमा स्वतः ही करता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं आपके साथ में दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो योजना चलाई जा रही है उसके बारे में भी हम आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं। और आज हमारे साथ में श्री संजय किरार जुड़े हुए हैं, सीनियर मैनेजर यूको बैंक, और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य भी इस कार्यक्रम में देंगे। जी संजय जी, और क्या आप बताना चाहेंगे इस योजना के बारे में? तो ये तो किसानों के लिए जो योजना बनाई गई काफी अच्छी है, कुछ लोगों के लिए पहले ये पहले कंपलसरी रखा हुआ था कि आपको देना ही है बीमा, लेकिन इसमें बहुत अच्छा बिल्कुल निकल कर आया है कि प्रधानमंत्री जी ने कार्यालय ने इसको ऑप्शनल कर दिया है कि अगर किसी किसान को अपना बीमा नहीं कराना तो वो इससे बैंक में आवेदन प्रस्तुत करके इससे निकल भी सकता है। तो ये कुछ किसानों को जैसा सोचना था कि उनको बीमा की राशि नहीं मिलती, फसल खराब नहीं होती, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा बिल्कुल निकल कर आया है। और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी किश्त जारी करने वाले हैं कर्नाटका में फसल बीमा योजना की, और एक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित हुए हैं, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संजय किराजी आज हमारे साथ में टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, यूको बैंक में आप सीनियर मैनेजर हैं और फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। संजय जी, क्या फ़ायदा होता है किसानों को फसल बीमा योजना लेने का? किसान फसल योजना का लाभ लेना बहुत अच्छा होता है मैडम, पिछला जैसे देखा जाए, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूँ कि पहले मैं बरेली में पोस्टिंग थी, वहाँ पर लोगों की बारिश के कारण फसल खराब हो गई, तो उससे जो एक अनावश्यक दबाव पड़ता है किसानों को, उसका जो खर्चा हुआ होता है फसल उगाने में, वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंसेस होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसका बीमा का पैसा मिलने से वो उसको निकल कर बाहर आ जाता है, उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज एक किश्त की राशि आज देने जा रहे हैं, कर्नाटका में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं, 15 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। और संजय जी, आपने इतना अमूल्य समय हमारे साथ में दिया, हमारे कार्यक्रम से जुड़े, उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप सभी, मैं हूं वृंदा आपके साथ में, और आइए डॉक्टर मोनिका जैन हमारे साथ में है, मोनिका जी से आज हम बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है और बहुत सारी बधाइयां संप्रेषित करते हैं आपको हम विश्व एनजीओ डे की। आपका एनजीओ भी बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो निश्चित ही समाज को बहुत कुछ देने का वो प्रयास कर रहा है। किस तरह से आप लोग कार्य करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा जी। वर्ल्ड एनजीओ डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक ऐसा दिन है जब एनजीओ के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो योगदान है उसको हम सेलिब्रेट करें, और जितना कठिन काम एनजीओ करता है, अलग अलग फील्ड्स में कई एनजीओ काम करते हैं, हमारा जो एनजीओ है सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी, वो मेनली साइंस कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करता है, और विज्ञान संचार के माध्यम से हम किस तरह से जो कुरूतियाँ हैं उनको दूर कर सकते हैं, और दूसरा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जो हमारा पूरा देखते हैं हम कि विकसित मध्य प्रदेश हमें बनाना है, या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ है,
उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं उनके लिए हमारी संस्था काम करती है जी। हम बच्चों के बीच काम करते हैं, हम महिलाओं के साथ काम करते हैं और हम यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और हमारा जो फोकस एरिया होता है वो रूरल एरिया होता है या ट्राइबल एरिया होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल। और वहाँ बहुत हमें लगता है कि वहाँ कुछ थोड़ा और ज़रूरत है विज्ञान संचार की। तो हमारी जो संस्था है वो विज्ञान संचार के क्षेत्र में, और विज्ञान संचार को हमने कुछ क्लब किया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या जिसे हम उद्यमिता विकास कहते हैं, तो उन दोनों को साथ लेकर हमारी संस्था काम कर रही है। ये तो निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मैडम कि आप विज्ञान संचारता के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों को रोजगार किस तरह से मिल सकता है, रोजगार उन्मुखी बनाने की ओर भी आप लोग कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण कार्य है, चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे। उसके पहले हम बता दें कि हमारे कॉलर दमो से हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो मैम, मैं मोहन पटेल बोल रहा हूँ दमो से। जी महेश जी, उनका मैडम को मेरा नमस्कार है। मेरा सवाल ये कि जो विकलांग असहाय लोग व्यक्ति हैं और आर्थिक रूप से तंग है, तो उनके लिए क्या मदद करती है एनजीओ उपकरण के माध्यम से या कोई आर्थिक सहायता, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें सर। मैम नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है? महेंद्र जी। नमस्कार महेंद्र जी, आपने सवाल किया है कि हम किस तरह से विकलांग लोगों की, या हम उन्हें कहें कि स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनकी मदद हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एक आपने पूछा कि आर्थिक मदद, तो एनजीओ खुद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आर्थिक मदद हम सीधे तौर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम आपके लिए आपसे हम डिस्कस करेंगे आगे कि हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। हम ज़रूर जो भी लोग हैं जो इस तरह से एक पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, तो उनके लिए भी हम आपके साथ मिलकर प्लान कर सकते हैं कि हम उनके लिए उद्यमिता विकास में हम उन क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या रोज़गार और स्वरोजगार के क्षेत्र में हम उनके लिए क्या काम कर सकते हैं। तो हम अवश्य आपके साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के लिए आप हमारा जो सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी है उसका वेबसाइट है, आप सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी जब डालेंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगा searchandresearch.in, वहां जाकर आप हम सभी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज भी वहां पर आप डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िए। उम्मीद है कि डॉक्टर मोनिका जी ने आपके प्रश्न का एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया होगा, संतुष्ट किया होगा आपको, आपके जवाब सही तरीके से पहुंचा होगा आप तक। भूपेन जी, आपसे अब हम चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे कि आजकल ये जो मास कम्युनिकेशन है उसकी एक अलग तरह की लहर चल पड़ी है। बात यदि हम करते हैं हिंदी विश्वविद्यालय की, आप चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, तो सर आपको क्या लगता है पत्रकारिता में हिंदी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? बिल्कुल, विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली वाली भाषा है। दूसरी बात, हिंदी को, ये विश्वविद्यालय जो बना है हिंदी को रोजगारमुख बनाने के लिए ही है। अब आप देखिए कि हिंदी व्यवसायीकरण कैसा हो रहा है। आज हिंदी वर्ल्ड में जो समाचार पत्र हैं, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, पत्रिका हैं, इनका टर्नओवर लगभग अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, और प्रति माह इनकी लगभग करोड़ों पतियाँ, लगभग 2.5 करोड़ पतियाँ प्रतिदिन इनकी सर्कुलेशन है। इनके पास सरकार के विज्ञापन हैं, और इनके पास सबसे बड़ी बात है हिंदी का पाठक, और हिंदी के पाठक कहने यानी कि मार्केट है। और जो संचार है, संचार विकास की एक दर है निश्चित रूप से। जिस देश का जितना ही अच्छा संचार होगा, या किसी व्यक्ति का जितना अच्छा संचार होगा, वो उतना ही समग्र और आप कहीं सबल रहेगा। तो इसलिए हिंदी के और पत्रकारिता ये बहुत ही सारगर्व चीज़ है। लेकिन भूपेन जी, आपको मैं बीच में रोकूंगी, पर आपको नहीं लगता कि एक जो पत्रकार है उसको दोनों भाषाओं का जानकार होना चाहिए? चूंकि अंग्रेजी की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी भाषा है कि वो लगभग वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, समझी जाती है, जानी जाती है। तो यदि हम सिर्फ हिंदी के पाठ्यक्रम को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हिंदी को जान रहा है, और अंग्रेजी में यदि वो कुछ कमज़ोर है, तो अपनी भावा व्यक्ति को वो ठीक तरह से
दूसरी जगह पर नहीं कर सकेगा जहाँ पर हिंदी बोलने वालों का परसेंटेज कम है, वो सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए हो जाएगा वो व्यक्ति? देखिए, ये देखिए दोभाषिया जो पन है ये पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि हम आज के समय में किसी भी कल्चर या किसी भी समाचार को अगर हम संचार के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कहीं की घटना, तो अगर वो उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो संप्रेषण नहीं पहुंच पाएगा पाठक तक। लेकिन आप ये कैसे मान सकते हैं कि जैसे तमिलनाडु में कोई व्यक्ति है तो क्या हिंदी वर्ल्ड का व्यक्ति नहीं रह रहा वहाँ? तो ऐसा नहीं है कि हिंदी, और हिंदी तो एक, जैसे हमारे यहाँ मेघालय से हैं, नागालैंड से हैं जो हिंदी में शोध करना चाहते हैं, तो उन राज्यों के लोग व्यक्ति हिंदी भाषा को जानने के लिए, हिंदी के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन भाषाओं में कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, वो सर्वज्ञता और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। बिल्कुल, और इसमें अनुवाद की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है और प्रधानमंत्री ने जो 11 मातृभाषाओं में पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था लागू की है भारत सरकार ने, वो मात्र क्योंकि भारत क्या विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती थी, आज लगभग 1600 भाषाएं रहेंगी, और भारत में 2000 से ऊपर ज़्यादा थी, अब वो भी कम बोलियाँ रहेंगी, 800 रहेंगी। तो ये जो अतिक्रमण हो रहा है जो एक भाषा का अंग्रेजीकरण के कारण, मैं उसका विरोध ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारगर्भित तो उस चीज़ को हमें भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन अपनी भाषा में अभिव्यक्ति होना ही चाहिए। बहुत सुंदर बात अभी आपने कही है डॉक्टर भूपेंद्र जी। आपकी बात को सुनकर हमसे हमारे एक कॉलर भी हमसे जुड़े हमारे इस प्रोग्राम में, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार, तो मैं नंद स्वरूप मिश्रा उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं इनको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और इनमें कौन कौन से टैलेंट होना चाहिए जिसे सफल पत्रकारिता कर सकें। बहुत अच्छा प्रश्न किया नंद स्वरूप जी ने, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में जुड़े थे। नंद स्वरूप जी नमस्कार, आप इतने दूर से उत्तर प्रदेश से, और जहाँ का राजनीति गढ़ का है वहाँ जागरूकता बहुत ज़्यादा है और वहाँ की आबादी लगभग 18 से 20 करोड़ है, आप इतनी सजगतापूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए क्या है कि पहले तो शिक्षा के पत्रकारिता जो विषय चलता था उसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं थी, और ये जैसे हम अगर सनातन में जाएं तो नारद जी जो थे सनातन धर्म में वो सबसे बड़े पत्रकार थे। बिल्कुल, और वो आदि से अनंत तक वो ब्रह्मांड में पृथ्वी में सारी जगह सूचनाओं का संप्रेषण करते थे, और वो आम जनता की ईश्वर के पास ले जाते थे, ईश्वर की समाचार आम जनता तक ले जाते थे। तो ये एक संभाग, एक जागरूकता ही पत्रकारिता है। अब क्या है जो जैसे ही हम आधुनिक बने और नई शिक्षा नीतियों को लागू किया तो उसमें एक मापदंड हो गया, अर्हताएँ आ गई कि अपन को कितना पास होना चाहिए, और इसमें कहीं ये नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों का, इसमें समावेशी दृष्टिकोण है, और इसके कारण हमारे यहाँ 3 पाठ्यक्रम चलते हैं। तो एक है 10+2 12वीं के बाद स्नातक बीए, और एक है हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको एमए, ये 2 वर्षीय है, और एक है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, और जिसमें आपको स्नातक उसकी अर्हता है। इनमें जो पाठ्यक्रम है नई शिक्षा नीति के अनुसार एक पाठ्यक्रम और जुड़ गया है जो कि आपको 3 साल में अगर आपको स्नातक पाठ्यक्रम करना है तो आप रिसर्च अगर करना चाहते हैं उसमें शोध लेना चाहते हैं तो वो 4 साल का हो जाएगा, तो उसकी ड्यूरेशन। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ नई शिक्षा नीति में एक चीज़ आई है जो हम आपको जो अभी प्रश्न पूछा है नंदेश्वर जी ने उनको बताना चाहेंगे कि पहले क्या होता था जब जैसे बीए में एडमिशन लेता था और प्रथम वर्ष में वो ड्रॉप कर देता था तो उसको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, द्वितीय वर्ष में ड्रॉप कर देता तो उसको कोई डिग्री नहीं मिलती, तीसरे वर्ष में ही उसको डिग्री मिलती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति से सरकार ने यह बहुत अच्छा किया कि 1 वर्ष में अगर विद्यार्थी से उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 2 वर्ष में उसको परस्नातक डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष में उसको डिग्री दी जाएगी। अगर वो 4 वर्ष का लेता है तो 1 वर्ष का उसको शोध की तो शोध की डिग्री दी जाएगी, और वो 4th ईयर्स में वो डायरेक्ट रिसर्च कर सकता है, पीएचडी कर सकता है। तो ये अगर इसका समय अगर विद्यार्थी का जाएगा तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ होगा, मिलेगा। बिल्कुल, तो ये जो हमारे लिए फैसिलिटीज रखी गई है सरकार के द्वारा तो उनका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और यही जागरूकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में हम उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते। जागरूक बने, हमारे लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ लें। डॉक्टर मोनिका जी, सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 2010 से मध्य प्रदेश में काम कर रही है, और जैसा कि मैंने बताया हमारा जो
कोर एरिया है वो विज्ञान संचार है, और विज्ञान संचार के साथ साथ हम उद्यमिता विकास में काम कर रहे हैं। हम देश भर के वैज्ञानिकों के साथ जुड़े हैं, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम APJ कलाम सर भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और हमें एक मौका मिला उनके साथ काम करने का। तो हम कोशिश करते हैं कि जो युवा है, जो कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं, वो इन साइंटिस्ट से इनके लिए मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम एक माध्यम बनने की कोशिश करते हैं कि वो कुछ नवाचार करना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि वो रिसर्च के फील्ड में आए, रिसर्च भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो हम शायद भूल जाते हैं अपने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को बताना कि आप विज्ञान के क्षेत्र में, आप साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आप रिसर्च के फील्ड में भी अपना लाइफ का जो आप अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं वो उसमें भी ले सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों में, इन युवाओं में हम विज्ञान की अलग जगा सकें और उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकें कि वो STEMM कहते हैं हम जिसे, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और अब मेडिकल साइंस भी, तो उन क्षेत्रों में बच्चे आगे आएँ, युवा आगे आएँ और रिसर्च की दुनिया से जुड़ें, नवाचार करते रहें, और उसमें हमारी संस्था जो भी उनका उनको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, उनको अगर मोटिवेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि सबसे पहले हमें उन्हें मोटिवेट करना होता है, उनको गाइडेंस जहाँ चाहिए वहाँ हम गाइडेंस उनको देते हैं। कई सारी स्कीम्स भी हैं जो स्कीम्स उनको नहीं पता होती, छात्रों के लिए भी कई स्कीम्स हैं। APJ अब्दुल कलाम जी के साथ में आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, उनकी कुछ झलकियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे लिए भी बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम जुड़ पाए इतने महान वैज्ञानिकों से, और APJ कलाम हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं, और जितना हम उनको देखते पढ़ते हैं, शायद उनके साथ जब हम जुड़ते हैं तो उनको हम जितना जान पाते हैं, ये देख पाते हैं कि वो एक अद्भुत व्यक्तित्व होने के साथ कितने सरल भी रहे, और उन्होंने हमेशा बच्चों के साथ बहुत समय बिताया, और वो हमेशा कहते थे कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बच्चों के साथ ज़रूर समय बिताएं। तो हम लोग उनके आदर्शों पर हम लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। निश्चित ही, और उन्होंने कहा था कि सपने भी नहीं होते जिन्हें हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। बिल्कुल। तो अब्दुल कलाम जी के विचारों से आपका जो सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा प्रेरित है, आप भी इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेन जी, हम चाहेंगे कि आज का जो विद्यार्थी है पत्रकारिता से जुड़कर, उसे करियर के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हम जान चाहें। देखिए, जब पत्रकारिता की डिग्री हो जाती है, ये क्या है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आता है, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के मतलब कि उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता रहने के लिए और समाज को सबल बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। अब इसके लिए पाठ्यक्रम करने के बाद उसके क्या है, उसमें तीन कंपोनेंट निकलते हैं, तीन आयाम निकलते हैं। एक शासकीय सेवा में जा सकता है, एक प्राइवेट कॉर्पोरेट संस्था में जा सकता है, और तीसरा वो अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकता है। तो और चौथा जो अभी नया नवाचार आया है, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट आया है, वो भी एक प्रभावशाली कदम है। तो इनके लिए अर्हताएँ होती हैं गवर्नमेंट जॉब में, जैसे दूरदर्शन, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट के जो जनसंपर्क हैं उसमें जनसंपर्क अधिकारी के पोस्ट, सेंट्रल और स्टेट के जो उपक्रम हैं उनमें जनसंपर्क अधिकारियों की पोस्ट, शिक्षण संस्थाओं पोस्ट, इस तरह से बहुत सी चीज़ें, रेलवे में जनसंपर्क अधिकारी, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं। दूसरा बात, प्राइवेट सेक्टर में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में वो अपनी सेवाएँ दे सकता है और अच्छा जीवन जी सकता है। फिर उसी में एजेंसियाँ होती हैं, न्यूज एजेंसियाँ होती हैं, और आप अगर चाहें तो इन एजेंसियों के तहत अपने करियर को एब्रॉड और कर सकती हैं, विदेश में भी सेवाएँ कर सकती हैं, PTI, ANI वगैरह, कौन से राइटर्स वगैरह, BBC, और जो डिजिटल फॉर्म में आ गई हैं सारी चीज़ें, अगर आपको डिजिटल फॉर्म में जाना है तो उसमें रुचि है तो आप उसमें जा सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं, तो बहुत सी संभावना है। तीसरा, अपना अगर आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का, और सरकार की बहुत सी योजनाएँ हैं जिनके तहत मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाएं हैं, जिनके तहत आप छोटा सा उपक्रम लेके अपनी शुरुआत भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति को अपने कार्य में कुशलता होनी चाहिए, और दूसरी बात, समाज की
जो जागरूकता है उसके बारे में पत्रकारिता को नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि अगर आपने वो ध्येयनिष्ठ वाक्य ही छोड़ दिया, समाज की जागरूकता के उसका चिंतन ही छोड़ दिया, तो फिर वो पत्रकारिता क्या है, एक ब्लाइंडनेस टाइप का हो जाएगा, अंधेरापन। समाज में हम अंधेरापन को हटाने के लिए आए हैं कि उसके लिए जी। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है पत्रकारिता की बुराइयों के निवारण में, समाज के चित्रण में, और समाज की जो विसंगतियां हैं उन्हें उजागर करने में। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय है उसमें और किस तरह के कोर्स संचालित किए जाते हैं जी? क्या यहाँ जो भी कोर्स होते हैं सिर्फ हिंदी में ही होते हैं जी? और उसके लिए पात्रताएं क्या होती है, कोई व्यक्ति प्रवेश लेना चाहे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, ये नाम से ही स्पष्ट है कि हिंदी विश्वविद्यालय है, यानी कि सारे पाठ्यक्रम हिंदी में ही चलते हैं। बिल्कुल, ये एक उसकी विशेषता है, भिन्नता है, या आप कह सकते हैं ये एक अकेलापन, एक कुछ चीज़ें दिखाने का है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था कि मातृभाषाओं में लोग, एक सर्वेक्षण किया गया कि हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं उन राज्यों में जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी में उतने दखल नहीं हैं, और जितने हिंदी में हैं, लेकिन उनको अगर अंग्रेजी थोपी जाती है तो वो ज़्यादा अपने मर्मज्ञता नहीं कर पाते, उसमें कुशलता नहीं दर्शाते। स्क्रीन पर तस्वीरें साझा हो रही हैं। तो इसके कारण जो विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ उसी कारण हुआ। तो इसमें क्या था कि जो तकनीकी शिक्षा है, मेडिकल की शिक्षा है, और जो अन्य पंचकर्म है, मेडिकल साइंस हैं, और जो पारंपरिक कोर्सेज हैं जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कॉमर्स, जीव विज्ञान, गणित, फिजिक्स, ये सारे पाठ्यक्रम हिंदी में संचालित। और आपको ये बता दें कि हिंदी विश्वविद्यालय ने अभी जो मेडिकल परीक्षा, जो मेडिकल का MBBS और MD का सिलेबस है, उसमें बनाने में नोडल एजेंसी रहा हिंदी विश्वविद्यालय, जो हिंदी पाठ्यक्रम को बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही हिंदी विश्वविद्यालय। तो जो लोगों को हिंदी अंग्रेजी कम बनती थी और अंग्रेजी में उतनी दक्षता नहीं थी, तो उनके लिए ये एक रामबाण आया। और साथ में ये भाषा, मातृभाषा को, इसमें मातृभाषा जो है अपने आप देख सकते हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी फसल बीमा योजना स्कीम जो है उसकी किश्त दे रहे हैं। सर, तो इसी पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे यहाँ वेबसाइट है, उसमें मई टाइम पे एडमिशन का नोटिफिकेशन निकलता है, ऑनलाइन प्रक्रिया है सारी, ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण वो लोग अपने प्रवेश आवेदन कर सकते हैं हमारे ये। और साथ में हम लोगों ने एक और चीज़ शुरू की है, हमारे विश्वविद्यालय के पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षण के अध्ययन केंद्र खोले हैं, वो लगभग 265 अध्ययन केंद्र खोले गए हैं, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम हैं, पत्रकारिता का एक वर्षीय डिप्लोमा है, और बहुत से पाठ्यक्रम हैं जिनको हम लोगों ने चालू किया है दूरस्थ। तो हमारे यहाँ 29 विभाग हैं, 76 पाठ्यक्रम हैं, और उन पाठ्यक्रमों को सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोगों ने ये पाठ्यक्रम सारे हिंदी में ही बनाए हैं, क्योंकि ये इस क्षेत्र के जो भाषा है उस भाषा को मर्मज्ञता से लाया जाए। सर, हमारे साथ में हमारे कॉलर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी आई, उनसे हम बात करते हैं। हेलो। हाँ वृंदा मैडम, आपका स्वास्थ्य लगता है गड़बड़ लग रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी गेट वेल सून हो जाएं। मौसम का असर है सर। जी जी जी, चलिए गेट वेल सून है ना। मैं डॉक्टर सुन ले रहे थे, मेरा प्रश्न है कि डॉक्टर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप बधाई के पास हैं, अटल जी के नाम से जुड़ना एक गौरव की बात है। अटल जी जैसे राजनेता हिंदुस्तान में थे, ये हमारे हिंदुस्तान और हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है। मेरा प्रश्न ये है कि आज जो पत्रकारिता है वो सोशल मीडिया ओरिएंटेड पत्रकारिता है, ठीक है ना, कट एंड पेस्ट की पत्रकारिता है। सबके हाथ में ये गैजेट है, मोबाइल है, वो हर अपने लेवल पर पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा है। तो जो शुद्ध पत्रकारिता है जिसमें आदमी मेहनत करता था, पढ़ता लिखता था, वो पत्रकारिता क्या अपनी हवा खो रही है। मोटे तौर पर 20वीं सदी की पत्रकारिता और 21वीं सदी की पत्रकारिता, इसमें आप पत्रकारिता को कैसे परिभाषित करते हैं और क्या स्कोप देखते हैं, ये बताइए।
दूसरा प्रश्न मेरा मैडम से है कि मैडम आप बिल्कुल ऑनेस्टली एनजीओ में काम कर रही हैं, आप बधाई के पात्र हैं। अबुल कलाम आजाद से जुड़ना भी आपको दूसरा बधाई का पात्र बनाता है। आप ये बताइए, आजकल अधिकतर जो एनजीओ हैं वो पेपर्स पर चल रहे हैं, तो एनजीओ के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ नहीं रहा है, तो कैसे आप विश्वास बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपसे जान लेते हैं सर जी। भाई साहब, जो आपने प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा है कि आप निश्चित रूप से सजग व्यक्ति हैं और इस पर चिंतन कर रहे हैं और इसकी एक सकारात्मक मार्ग की ओर सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने कहा कि जैसे जो सोशल मीडिया पत्रकारिता आ गई, लोग वह कट पेस्ट कॉपी, देखिए हर चीज़ के एक अतिशयोक्ति तो होता है, लेकिन अपन ये कहें कि लोग पढ़ना और लिखना और सजेस्ता अगर ऐसा नहीं होगा तो नयापन नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि व्यक्ति को नेट से 1990 के बाद से जो पत्रकारिता और 21वीं सदी की जो पत्रकारिता जो आई, लोगों को लेजी ज़रूर कर दिया, लेकिन हम आशाएँ कभी भी अपनी छोड़े नहीं, क्योंकि हम, आपने कहा कि अटल जी की तरह हम लोग जुड़े हैं, सौभाग्यशाली हैं, तो अटल जी की कविताएं आज अगर उन्होंने जो 60 में लिखी, 80 में लिखी और 90 के दशक में भी लिखी हैं, तो वो भी आज नवीनतम ही लगती हैं, तो इसलिए हम आशा रख सकते हैं। अच्छे लोग लेखन कर रहे हैं, असले लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, और पत्रकारिता का जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया था तो अपन ने सोचा था कि प्रिंट मीडिया बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन हर का अपना एक वजूद है और वो वजूद बिल्कुल निश्चित बना है। हम एक सकारात्मक दृष्टि से सोचें कि हम इस दृष्टि से अच्छे लोग आए रहे हैं और नए नए नवाचारों का उपयोग कर रहे हैं और जिनसे समाज में सजगता, सहजता, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो कंपोनेंट, जो नया जो इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है, उससे हमको कम से कम तुरंत चीज़ें भी तो मिलना शुरू हुआ है, और इसके प्रति हम जो पाठक है और जो दर्शक है वो भी जागरूक हो रहा है, उसमें जो उसकी जो विसंगतियां हैं, गलत चीज़ें चलाना, एक व्यक्ति को प्रमोट करना, इस तरह से उसके प्रति भी लोगों में पारदर्शिता आ रही। तो हम तो ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी एक चैलेंज होता है, लेकिन हम यही सोचेंगे कि समाज में एक नया, फिर से एक नया सूर्य की तरह उभरेगा और हम एक नए प्रकाशवान की तरह हम नए नवोदित लोगों के लिए प्रवेश कराएंगे। और ये कहीं ना कहीं हम पर निर्भर करता है कि क्या चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं। कई बार ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप जैसे पत्रकारिता में फिल्म भी आता है, और फिल्म में आप अगर पहले की स्टडी करें और शोध करें, तो कई बार जो जैसे अभी टीवी के सीरियल्स आ रहे हैं, तो आप देखिए कि उनमें अधिकांश क्राइम से संबंधित आ रहे हैं। बिल्कुल, जो प्राइवेटेशन, जो केबल सिस्टम 92 में आया, तो उसके तहत फिर साइबर एक्ट 2000 बनाना पड़ा, 2018, 2014, इसमें बहुत से अमेंडमेंट करने पड़े, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो व्यवसायीकरण बढ़ रहा है उस पर कहीं लगाम होनी चाहिए। पैसा के कारण हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे अंदर जो विदेश की भावना है आगे बढ़ने की, वो भी एक, तो ये जीवन में एक संतुलन की चीज़ें, हमको जिम्मेदारी खुद भी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और कहीं ना कहीं पत्रकारिता की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बुराइयों के निवारण में, समाज की जो सही स्थिति है, विसंगति है, उनको हम सबके सामने लाने में, और जो बुराइयां हैं उनको दूर हम पत्रकारिता के माध्यम से ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ महान सेनापति नेपोलियन की एक बात को कोट करना चाहती हूँ। महान सेनापति नेपोलियन कहता था कि मैं बड़ी बड़ी फौजों से नहीं डरता, मैं तलवारों से नहीं डरता, मैं तो कलम की ताकत से डरता हूँ, मैं कलम से डरता हूँ। बहुत सुंदर। तो लेखने की ताकत से दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन की कामना कर लेने वाले सभी बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों, पत्रकार बंधुओं को भी आज हम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ उनका अभिवादन करेंगे, उनका धन्यवाद अदा करेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। दृश्य मीडिया, श्रव्य मीडिया और प्रिंट मीडिया की यदि हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें देश दुनिया से परिचित कराने का काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पत्रकारिता हम सब की जिंदगी में। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले डॉक्टर मोनिका की ओर चलेंगे। डॉक्टर मोनिका, सवाल शायद उनका रह गया है। बिल्कुल, उसका हाँ। उत्तर हम सबसे पहले जान लेते हैं आपसे। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि कुछ दर्शक एक्टिवली इसमें जुड़ रहे हैं, इस प्रोग्राम में, और शायद आपने सही कहा था कि एक बहुत ही सफल प्रोग्राम है। डॉक्टर मोनिका, आपको बता दें कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, बहुचर्चित प्रोग्राम है दूरदर्शन मध्य प्रदेश का, ये प्रोग्राम
बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, लोग उससे जुड़ते हैं और डायरेक्टली उसमें उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी भी होती है कि वो हमारे टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञों से डायरेक्ट अपनी क्वेरी, अपनी जो जिज्ञासा है उसका समाधान ले सकते हैं। जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि कुछ एनजीओज आपने कहा कि पेपर्स पर चलते हैं, तो जो एनजीओ जो है, मतलब हम जिन्हें कहते हैं गैर सरकारी संस्थान, तो एक बड़ा मुद्दा है ये कि अगर जो एनजीओ हैं वो संस्थान अगर संसाधनों का दुरुपयोग करें तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हालांकि इसमें थोड़ा सा मैं कहूँ तो पिछले दिनों की अपेक्षा अभी ये थोड़ा सुधार भी आया है क्योंकि कई चीज़ें अब और ट्रांसपेरेंट हैं। अभी हम जो अगर हम किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं तो उनसे हमें ऑनलाइन सबमिट करना होता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर भी एक मदद की है एक ट्रांसपेरेंसी लाने में। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ इस तरह की गड़बड़ है या कुछ एनजीओ इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो संसाधनों का गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मैं आप मुझसे जानना चाहते थे कि उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की वहाँ बहुत ज़रूरत है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, हम हर एक एनजीओ अपनी निर्धारित करें कि मुझे किस तरह से काम करना है, ट्रांसपेरेंसी। और मैं एक और चीज़ को हमेशा कहती हूँ, बीच में आपको इंटरप्ट करूँगी, चर्चा किस दौर को आगे बढ़ाएंगे, आपकी बात को पूरा सुनेंगे और दर्शकों तक पहुँचाएंगे, उसके पहले हम बता दें आपको, अपने प्रोड्यूसर से हम निवेदन करेंगे कि उस्ताद अलाउद्दीन संगीत विश्वविद्यालय के उप निदेशक जिससे हम बात करना चाह रहे हैं उनको टेलीफोन लाइन पर हम जोड़ने का प्रयास करें, राहुल रस्तोगी जी से। हेलो, हेलो सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। नमस्कार। सर यू तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती, पर हम जानना चाहेंगे कि कुछ कार्यक्रम अभी संचालित किए जा रहे हैं कल से हमारे भारत भवन में, उनके बारे में जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि किस तरह के प्रोग्राम्स कल से शुरुआत उनकी होने जा रही है। भारत भवन में कल 28 फरवरी को और 1 मार्च को लय प्रवाह नाम से एक कार्यक्रम होने वाला है, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें हमने वर्ल्ड डांस अलायंस और उसके एशिया पैसिफिक चैप्टर के साथ मिलकर जी उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत कला अकादमी और भारत भवन का संयुक्त आयोजन वो होगा। इस आयोजन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 28 मार्च को साउथ कोरिया और ताइवान के दल होंगे, वे उसके नर्तक होंगे, नृत्य दल हैं, और 1 मार्च को 28 फरवरी को ये होंगे और 1 मार्च को इसमें भारत और कनाडा इसके दल हैं जो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि लय प्रवाह जो मैंने आपको नाम बताया है थोड़ा सा एक काव्यात्मक बिंब है, इसमें वो काव्यात्मक बिंब समाया हुआ है जब हम प्रवाह के माध्यम से लय की एक निरंतरता की बात करते हैं और उससे हमारा आशय ये भी है कि वो अपनी सीमाओं को लांघ कर अपनी नए में प्रवेश करने की कोशिश करता, प्रवाह इसी तरह की चीज होती है जी। उसके शाब्दिक अर्थ की बात नहीं, उसके भावात्मक अर्थ की बात। तो लय प्रवाह जैसा मैंने आपको बताया इसमें 4-3 देशों के और भारत नृत्य दल होंगे जी। ये समकालीन नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। भारत में आमतौर से हम ये जानते हैं कि हमारा जनजातीय समाज है, हमारा लोक समाज है, हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्यों की बड़ी परंपरा जिसमें 9 शैलियां विख्यात हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। अब इसके अलावा एक नई नृत्य भाषा जो समकाल में हमेशा से घटती है उसको उसके की पहचान, उसकी तलाश की जरूरत। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि करीब 80 साल पहले उदय शंकर स्कूल अल्मोड़ा में बना, उदय शंकर जी ने नृत्यों की नई भाषा जिसको हम फिर कहें कि समकालीन भाषा की शुरुआत की थी, और उसमें उनका आशय ये था जिसमें पूरे देश के बड़े सारे आर्टिस्ट उससे जुड़े थे उस अभियान से, और उस अभियान का मकसद ही इतना था कि हमारे इर्द गिर्द जीवन में जो लोक और जनजाति और शास्त्र समाया हुआ हम उनसे भी कुछ प्रेरणा लेकर अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए स्वयं भी एक नृत्य की भाषा का उन्मेष करें, हम उसको भी आगे लाएं, ये उन्होंने किया था। और इसके चलते सचिन शंकर, नरेंद्र शर्मा, प्रभात गांगुली, शांति दा, बहुत सारे लोग हैं जो उससे निकले थे। इवन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब खुद जो हैं वे अल्मोड़ा स्कूल के में शामिल रहे और वहां से ही उन्हें वो प्रेरणा मिली जिसके चलते उन्होंने ये मैयर बैंड बनाया। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था अल्मोड़ा स्कूल का, उदय शंकर जी का। बीच में निश्चित तौर पे भारत में ये थोड़ा सा मध्यम हुआ,
हमारे यहाँ हमें ये इसके फर्क नहीं लगे उसके मध्यम होने में, लेकिन पूरी दुनिया समकालीन नृत्य की भाषा में है। तो ये एक कोशिश है, हमने खजुराहो में कोरियो लैब लय प्रवाह के नाम से एक वर्कशॉप किया 6 दिन का, जिसमें 6 देशों के नृत्य दल आए और उन्होंने अपनी समकालीन नृत्यों के माध्यम से अपनी भाषा के माध्यम से उन चीजों को दिखाने की कोशिश की जिसको हम नृत्य अभिव्यक्ति की तरह मानते और देखते हैं। तो ये एक प्रयोग है जो किया गया है, जैसा मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसका उद्देश्य इतना सा है कि हम भारत में समकालीन नृत्यों की एक नई भाषा रचने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत सारे लोग आए, वर्कशॉप में आए, देश भर से आए, उन्होंने इसमें शिरकत की है। तो ये एक वानगी है लय प्रवाह, जिसमें जैसा मैंने आपसे कहा साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा और भारत के नृत्य दल 2 दिनों में अपनी अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देंगे। शाम को 7 बजे से ये अंतरंग में होगा, निःशुल्क होगा, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आए और जरूर आए, क्योंकि ये हमारा एक प्रयास है जो आपके बिना अधूरा रहेगा। सर सर एक और महत्वपूर्ण बात हम जानना चाहेंगे, चूंकि लय प्रवाह बड़ा सुंदर सा नाम है और जिस तरह से आपने बताया कि इंटरनेशनल एंट्रीज भी है, इंटरनेशनल परफॉर्मर्स आकर हमारे शहर में नृत्य की प्रस्तुति देंगे, तो सर समय 7 बजे से कितने बजे तक होगा, कितने समय अवधि का ये कार्यक्रम? 7 बजे से 8:30 बजे तक का ये समय होगा। 45-45 मिनट की 2 प्रस्तुतियां हैं और दूसरे दिन भी 2 प्रस्तुतियां होंगी, और जैसा मैंने फिर से कहा कि वो ये निःशुल्क होगा हमेशा की तरह, और भारत भवन आप सबका स्वागत करता है, आपका इंतजार कर रहा है, आप जरूर बताएं। तो कलाओं के केंद्र भारत भवन में एक अनूठी प्रस्तुति, एक अनूठा कार्यक्रम कल से संपन्न होने जा रहा है। 2 दिवसीय ये जो कार्यक्रम है लय प्रवाह कार्यक्रम, उसमें आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। हमसे जुड़े थे उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत विश्वविद्यालय के उपनिदेशक राहुल रस्तोगी जी। सर आप हमसे जुड़े इस प्रोग्राम में, आपका बहुत धन्यवाद। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार एमपी, कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आप और मैं हूं वृंदा आपके साथ। चलिए बात करते हैं डॉक्टर मोनिका जैन से। मैडम आपसे बात कर रहे थे, वो सिलसिला कुछ देर के लिए हमें विराम लेना पड़ा था, हम चाहेंगे आप अपनी बात को कंटिन्यू करें जी। अभी आप एक दर्शक का सवाल था कि कुछ एनजीओ इस तरह भी काम करते हैं कि सिर्फ पेपर पर वर्क हो जाता है और धरातल पर नहीं आ पाता। तो सबसे पहले तो हर एनजीओ जो चला रहे हैं और हर एनजीओ में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एक जवाबदेही तय करनी होगी अपनी कि हम पारदर्शिता से काम करें, हम इस तरह से काम करें कि हम समाज को दे पाएं जो हमारा उद्देश्य है। एनजीओ का उद्देश्य यही है कि हम गवर्नमेंट के पैरेलल वर्क करें और जो पॉलिसीज़ हैं उनको इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करें, जो समाज में जो हम कहें कि प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ही तय करें कि हम इफ़ेक्टिवली काम करें और एथिकली काम करें। इसके लिए हम कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान रख सकते हैं कि गवर्नेंस इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे। अभी ऐसा बहुत सारी चीज़ें हमें देखने में आ भी रही हैं कि जो अभी गवर्नेंस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से नज़र रखे हुए हैं। एनजीओ पोर्टल्स पे आजकल सभी एनजीओस का रजिस्ट्रेशन कंपल्शन है और हमें हमारे कामों का पूरा ब्यौरा, एनुअल रिपोर्ट्स, इवन हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें अपलोड करनी होती हैं हर साल। तो पारदर्शिता इस तरह से आ रही है कामों में। और हम अपने एनजीओ की बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी पारदर्शिता से और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक वॉच कम्युनिटी का भी रहेगा कि एनजीओ जो काम कर रहा है हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में वो किस तरह से काम कर रहा है। तो कम्युनिटी या हम कहें कि जागरूक लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें कि वो भी देखें। और सबसे बड़ी जो भूमिका है वो हमारी है जितने एनजीओ के लोग हैं। आज एनजीओ दिवस पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम सभी अपने अपने कार्यों को बहुत बखूबी कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, और ईमानदारी से करें और पारदर्शिता लाएं जिससे कि लोगों के मन में जो इस तरह के जो विचार हैं वो तभी बाहर जाएंगे जब हमारी जो उपस्थिति है लोगों के साथ होगी, हम लोगों से कनेक्ट होंगे, हम अपने जो उद्देश्य हैं उनको भली भांति धरातल तक ले जा पाएंगे, समाज के बीच ले जा पाएंगे। डॉक्टर मोनिका बहुत अच्छी बात आपने कही और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी कन्वे किया है सारे एनजीओ जो रन कर रहे हैं उन सबके लिए भी कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी हमें अपने आप में रखनी होगी। हम ईमानदारी से काम करें तभी हम लोगों की सेवा का भाव रख सकते हैं और सेवा ही संकल्प है ये भी अभी नारा चल रहा है और कर्म ही पूजा है। तो हम
अपने काम को एक पूजा की तरह करेंगे तभी हमें उसमें सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज काम तो सभी कर लेते हैं। कलाम सर का एक और कोट, एक और जो बात हमेशा हमारी पूरी सोसाइटी और हम मेंबर्स याद रखते हैं कि हम ये ना पूछें कि हमें समाज से क्या मिला, हम ये पूछें कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, व्हाट आई कैन डू। वो हमेशा 2012 में अब्दुल कलाम जी के साथ में जो आपने कार्यक्रम किया था उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं आपके एनजीओ ने सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी में, बहुत बढ़िया वो कार्यक्रम किया गया था। निश्चित ही लोगों को जागरूक करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो एक और बात बृंदा जी कहना चाहूंगी कि कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक निश्चित वर्ग के लिए है, तो क्या आवश्यक है कि समाज का हर व्यक्ति साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जाने, क्या ज़रूरी है जो हम काम कर रहे हैं? तो आप मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो विज्ञान संचार है या जो तकनीकी संचार है, अभी हम एक स्टेप और आगे बढ़े कि सिर्फ विज्ञान संचार नहीं है, हमें तकनीकी का भी संचार करना है, क्योंकि जो हम नई एजुकेशन पॉलिसी देखें या हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल की बात करें, तो इन सभी में तकनीकी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। विज्ञान संचार या तकनीकी संचार जो है वो एक माध्यम है एक आम जन को एक उस सोसाइटी से जोड़ने का जो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर मोनिका, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जगह है जब जो विज्ञान के बिना कुछ कार्य हो सकता है। हम यदि कला साहित्य की भी बात करते हैं, संस्कृति की भी बात करते हैं, भाषा की भी बात करते हैं, हर जगह विज्ञान है, तो विज्ञान के बिना तो कुछ भी संभव है ही नहीं। बिल्कुल। और बात यदि हम संचार की करते हैं तो आज संचार के बिना भी कुछ भी संभव नहीं होता। हम अपनी बातों के संप्रेषण की ही बात करते हैं, हम दृश्य मीडिया की भी, चूंकि आज हमारे साथ में सर बैठे हुए हैं, तो हम यदि पत्रकारिता की किसी भी चीज की यदि हम बात करते हैं, विज्ञान और संचार के बिना तो कहीं भी कुछ भी संभव है ही नहीं। बिल्कुल। तो हम अब आपसे आपके विजन और मिशन के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी का आगे का विजन और मिशन क्या है। उसके पूर्व में मैडम हम डॉक्टर भूपेंद्र जी की ओर रुख करना चाहेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पठन पाठन से थोड़ा सा दूर हो गई है, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? जी वृंदा जी, क्या है कि ये तो आया है, इसका एक कई फैक्टर है। एक तो ये कोरोना के टाइम पे जो अभी 2 साल हुआ ना, उससे भी बड़ा प्रभाव पड़ा है कि व्यक्ति इस क्लासेस बंद हो गई थी, और क्लासेस बंद हो जाने के कारण क्या हुआ कि जो नई पीढ़ी थी और जो पढ़ रही थी तो उनको सहजता से मार्क्स मिल गए और वो उत्तीर्ण हो गए उनमें से, जिसके कारण क्या हुआ कि एक नए पीढ़ी में एक लेजीपन आया। दूसरा क्या है जो एक, लेकिन उसके एक नए फ़ायदे भी आए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, और ऑनलाइन क्लासेस के कारण क्या हुआ कि एक नई टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़े, और जिसके कारण क्या हुआ जो वैश्वीकरण हुआ उस टेक्नोलॉजी का, कि ये बड़े बड़े जो एजुकेटेड थे या स्पोक्स पर्सन थे या उनके एक्सपर्ट थे वो सहजता से उपलब्ध हो पाए। तो दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इसको गैप भरने के लिए अभी थोड़ा सा पठन पाठन में रेशो वही है, मैं मानता हूँ संख्या जरूर लार्जर है लेकिन जो पढ़ने वालों की संख्या है वो निश्चित रूप से बढ़ी है, और अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन हाँ उतराव चढ़ाव चलते ही रहते, जैसे वैश्विक बीमारी कोरोना के कारण ये सब चीज़ें आईं, लोग क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन उसके कारण एक नई चीज़ भी आई कि हम ऑनलाइन क्लासों से जुड़े, उनमें बहुत अभी पिछले वाले बजट में आपने देखा था कि एक नया विश्वविद्यालय खोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो डिजिटल विश्वविद्यालय, उसके लिए फंडिंग की गई। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि दूरस्थ की शिक्षाओं में डिजिटल फॉर्म में शिक्षा पहुंच सके, कई लोग क्लासेस नहीं कर सकते, तो इस पर बहुत रिफॉर्म हुआ। लेकिन हाँ, पढ़ना एक उसका एक अलग ही सुख है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो आत्मीयता और जो हमारे मस्तिष्क को संतुष्टि मिलती है वो अद्भुत है, और उससे पढ़ने से एक अलग ही महसूस होता है। जैसे पहले जो पत्र आते थे आपने देखा होगा, उनकी अनुभूतियाँ आप 10 साल बाद भी निकाल लो, 20 साल भी, तो एक अलग अनुभूति है। शब्द बात करते हैं, शब्द एक नया संप्रेषण देते हैं, नया एक संतोष देते हैं, तो वो निश्चित रूप से कई कमी तो आई। मैडम, आपका जो प्रश्न हमने लिया था उसका उत्तर जानेंगे और उसके बाद में प्रोग्राम को हम समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। जी वृंदा जी, आपने पूछा कि हमारा मिशन और विजन क्या है हमारे एनजीओ का, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी दुनिया, जो भारत है वो बहुत ही विविधताओं का देश है, यहाँ संस्कृति और विरासत अनमोल है यहाँ की, तो हम एक ऐसा देश चाहते हैं कि जहाँ हर एक व्यक्ति के पास सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ तो हों ही, उससे
आगे प्रॉस्पर होने के लिए, उसे आगे फलने फूलने का भी मौका मिले। और हाशिए पे खड़े जो लोग हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है हम सभी की, तो हम उनके बीच वैज्ञानिक चेतना का विकास कर सकें, हम उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में जहाँ भी हम अपना योगदान दे सकें वो हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में हम इस तरह का काम कर पाएँ और उसमें हमारा छोटा सा योगदान हम दे पाएँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर मोनिका, इसी तरह आपके कदम बढ़ते रहें और आपके एनजीओ के कदम बढ़ते रहें, यूं ही समाज सेवा के लिए और लोगों के लिए आप समर्पित रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व एनजीओ दिवस पर हम आपको संप्रेषित करते हैं। साथ ही आपका धन्यवाद और आभार हमारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ में साझा करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ में डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें पत्रकारिता से संबंधित हम सबके साथ में साझा की। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम, आज का ये सेगमेंट आप सभी को पसंद आया होगा और उपयोगी साबित होगा। अगले कार्यक्रम में आपसे जल्द होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए हमारा ये प्रोग्राम देखना ना भूलें। समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाता है। कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आज इतना ही, अगले अंक में जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए हम सबको दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।